नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। और SS प्रमुख मोहन भागवत का एक नया पैतरा यानी दलित प्रेम दिखाने की साफ साफ कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और SS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया और वह अमर उजाला पर छपा। जैसे कि हम आपको बताएं कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि दलित भी दूसरों की तरह घोड़ी पर चढ़े और मंदिरों में करे जल अभिषेक और नौकर व नौकरानी के साथ पिए चाय। यानी कि आज दलित प्रेम याद आ रहा है। दलितों को लुभाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है, क्योंकि इनका हिंदू राष्ट्र बनाने में तो कामयाब नहीं हुए और अब यह दलितों को लुभाने के लिए नए नए पैंतरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आपको बताएं कि अभी दो दिन पहले मेरठ में भी RSS प्रमुख मोहन भागवत का दौरा था। यानी दलित मलिन बस्तियों में यह अपनी जो है पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा यह भी जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो मेरठ के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी कि हजारों लोगों ने जो हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसको देखते हुए भी मोहन भागवत का मेरठ में दौरा रहा। और अभी हाल फिलहाल में यह मेरठ में चाहे लखनऊ में हर जगह जाकर ऐसी ही बातें करते दिख रहे हैं कि दलितों को लुभाया जाए। यानी आज इनको दलित प्रेम याद आ रहा है और कह रहे हैं कि जो नौकर व नौकरानी है उनके साथ चाय पिए और मंदिरों में शिव मंदिरों में जल अभिषेक किया जाए तो दलित भाईचारा बढ़ेगा। सामाजिक समरसता के जरिए दलितों को लुभाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ हो रही है। यानी हम आपको बताएं कि दलित जो दूल्हे होते हैं वह घोड़ी से उतार दिए जाते हैं, ये खबरें सामने आती है। इनको देखकर वह पीड़ित परिवार, वह पीड़ित जो दूल्हे होते हैं वह हिंदू धर्म को कोसते हैं कि इस धर्म के अंदर हमारा अपमान कब तक सहेंगे। तो इसी के चलते वह हिंदू धर्म को त्याग कर धर्मांतरण करते भी दिखाई दिए और हिंदू धर्म का चारों तरफ अपमान होता है, लोग थू-थू करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ चंद जातियों का जो कब्जा है, इसको देखते हुए जो धर्म के ठेकेदार हैं मोहन भागवत जी, कहे तो हम वह आज तिलमिला रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है। यदि हिंदू धर्म की जो कमज़ोर जातियाँ है यानी दलित वर्ग है, यदि वह लुभाया नहीं गया तो वह धर्म से किनारा करेगा और हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा, जो कि हिंदू धर्म की ढाल बनकर रहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा मरने कटने को तत्पर रहते हैं। और आज वह दलित जागरूक हो रहे हैं, आज वह दलित अपने हक अधिकारों को जान रहे हैं। तो मोहन भागवत को डर सता रहा है कि कहीं दलित धर्मांतरण करके हिंदू धर्म को जो ढाल बने रहते हैं कमज़ोर ना हो जाए और हिंदू धर्म में कुछ नहीं बचेगा। आज वह डर मोहन भागवत को सीधा सीधा साफ साफ झलकता दिख रहा है। हम आपको बताएं कि अमर उजाला के लेख में क्या लिखा और किस तरीके से मोहन भागवत को डर साफ साफ सता रहा है। संघ की पहल, दलित दूसरों की तरह चढ़े घोड़ी, शिव मंदिरों में करे जल अभिषेक, नौकर और नौकरानी के साथ भी चाय पिए। ये अमर उजाले का जो हेड टाइटल है वह है। और आगे जो सार है वह हम आपको बताते हैं कि RSS सामाजिक समरसता के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने में जुटा है। संघ ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है कि जिससे गाँव में किसी भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने से न रोका जाए, उसकी बारात सामान्य वर्ग के परिवार के दूल्हों की तरह धूमधाम से निकले। और आगे लिखा है विस्तार के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यक्रमों के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में अपनी पैठ बढ़ाएगा। इसी क्रम में संघ गांवों और शहरों में सामूहिक पूजन व शिव मंदिरों में जल अभिषेक व सफाई कर्मियों का सम्मान और उनके बीच जलपान जैसे आयोजन करने जा रहे हैं। वहीं इससे दलित समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जो इनके बीच संघ भी अपना दायरा बढ़ाएगा। संघ ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे गांव में किसी भी दलित दूल्हों को घोड़ी पर बैठने से न रोका जाए, उनकी बारात सामान्य वर्ग के परिवार के दूल्हों की तरह धूमधाम से निकले। और आगे लिखा है कि दलित वर्ग को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने से रोकने की कुरीतियां भी खत्म की जाए। इसके लिए संघ के स्वयं सेवक लोगों को जागरूक करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ समस्या का समाधान किया जाएगा। और वहीं आगे लिखा है कि संघ वाल्मीकि व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संत रविदास जयंती पर गांवों में कार्यक्रम कर समाज को जोड़ने का काम करेगा। RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मिले एजेंडे के तहत संघ अब पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के सभी प्रांतों में इसे धरातल पर उतारने में जुट गया है। यह लिखा ताकि हिंदुओं की सभी जातियां एकजुट रहे। संघ के समरसता कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सभी जातियों को जोड़ना है। यदि हिंदू धर्म की जातियां आपस में लड़ती रहेंगी तो हिंदू धर्म कमजोर होगा। और उसी के बाद
लिखा कि जल अभिषेक भी कराया जाए और जो नौकर व नौकरानी है उनके साथ, जो मालिक होते हैं, मालिक घराने के लोग होते हैं, नौकर व नौकरानी के साथ अच्छा जो बिहेव करे और उनके साथ चाय पीकर उनकी जो समस्या है उसका निदान करे, उनसे बातचीत करे। यानी कि पूरी पूरी तैयारी की जा रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए भी लग रहा है कि RSS ने अपनी जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका षडयंत्र है, जो उसका अपना चाल होती है, उस पर काम करना शुरू कर दिया। RSS 2024 के चुनाव से पहले दलित जितनी भी जातियाँ हैं उनको जोड़ने में लग गई। RSS प्रमुख मोहन भागवत का जो ये बयान, इसको देखते हुए लगता है कि मोहन भागवत इस समय पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। जो आज धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाया गया और वह विवाद अभी तक भी नहीं रुका, और उसके बाद मोहन भागवत ने हड़बड़ाहट में, कह सकते हैं या समझदारी के तहत, किसी साजिश के तहत जो महाराष्ट्र एक बयान दिया जो काफ़ी वायरल हुआ कि कुछ शरारती तत्वों ने अपने स्वार्थ के लिए ये धर्म ग्रंथों के अंदर छेड़छाड़ की, मतलब कि इस तरीके का बयान दिया जिससे ब्राह्मण समाज में काफ़ी नाराजगी देखी गई कि इन्होंने तो पूरा ही ठीकरा हिंदुओं के ऊपर थोप दिया, यानी कि पंडितों के ऊपर थोप दिया। और फिर उन्होंने अपना बचाव करते हुए लिखा कि पंडित की कोई जाति नहीं होती, पंडित हर जाति में पाए जाते, यानी कि अपनी चट अपनी पट। और उसके बाद मोहन भागवत ने कहना चाहा कि मुस्लिमों के ऊपर कैसे इस ठीकरे को थोपा जाए, यानी कि इनका बस नहीं चला, वरना साफ साफ कह देते कि ये जातियाँ मुस्लिमों ने बनाई, ये धर्म ग्रंथ मुस्लिमों ने बनाए, अपने स्वार्थ के लिए बनाए। लेकिन ऐसा नहीं कह सके क्योंकि हम मजबूर थे। और उसी के चलते हम आपको बताएं कि मोहन भागवत को हम कुछ अपनी सलाह देना चाहते हैं, जो हमारी व्यक्तिगत सलाह है। मोहन भागवत तक ये वीडियो यदि पहुँचती है तो मोहन भागवत जी इस बात पर भी अमल करें। मोहन भागवत जी की हम इज्जत करते हैं क्योंकि बुजुर्ग है, हमारे ताऊ समान है। हम कहते हैं कि ताऊ जी, यानी मोहन भागवत जी को, कि ताऊ जी यदि आपने इस तरीके की बातें कही कि जो आपने दलितों को प्रेम दिखाकर उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, यानी हिंदू धर्म में उनका जो विश्वास टूट गया है उसको दोबारा से बनाने के लिए जो आपने चाय पीने की बात कही, घोड़ी पर चढ़ने की बात कही, वह जल अभिषेक करने की बात कही, कि उन बातों को देखते हुए इन जातियों की यदि बात की जाए तो आप जाति ही क्यों नहीं ख़त्म कर देते। यानी कि कुछ ऐसे हमारे जो अपने व्यक्तिगत राय है कि जो नाम के आगे सरनेम में जातियाँ लगाई जाती है, सबसे पहले तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि नाम के आगे जो सरनेम में जातियाँ लगाई जाती है, कि नाम के आगे राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाटव, जितनी भी जातियाँ हैं, इन जातियों को लगाना छोड़ दिया जाए, तो वहाँ से भी जाति का एक जो झलकती है साफ साफ कि जाति का व्यक्ति है, नाम को सुनते ही जाति पता चल जाती है, कि इस पर भी रोक लगाई जाए। और दूसरा जो आपने बात कही कि घोड़ी पर चढ़ने की बात, घोड़ी से उतारे जाते हैं दूल्हे, कि इसके ऊपर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दलित समाज अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगा है, प्रदर्शन करने लगा है, दलित समाज जागरूक होने लगा है, और वह घोड़ी की बात कोई इतनी बड़ी नहीं है, ये तो एक मान सम्मान की बात है। घोड़ी पर चढ़ने से ना ही कोई राजा होता और ना ही कोई रईस हो जाता, ये तो एक मान सम्मान की लड़ाई है। और उसके बाद यदि हम कहें कि मोहन भागवत जी जिस तरीके से ये जातियों की बात कही आपने, इसको हम मानते हैं। वहीं आपने कहा कि वाल्मीकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी व संत रविदास जी की जयंती पर प्रत्येक समाज, यानी RSS से जुड़े हुए हो या किसी भी जाति समुदाय से जुड़े हुए हो, वह इन जातियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और शोभा बढ़ाने का काम करे। यहीं हम यदि कहे कि संत शिरोमणि रविदास जी के जो दोहे हैं, जो उनकी चौपाई है, जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था को छोड़ देने वाली चौपाई है, क्या आप उन पर भी गौर करेंगे, क्या उनका भी अमल करेंगे? यानी उनकी जयंतियों में बस केवल फूलों की वर्षा कराना या जय जयकार कराना, इससे ही काम चलेगा, या उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनकी विचारधारा से भी जोड़ा जाएगा? क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी के जितने भी दोहे, संत कबीरदास जी के दोहे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ऊंच नीच व्यवस्था जो बनाई हुई है, कुछ जो आप कहते हैं कि शरारती तत्वों द्वारा, कि उस पर भी ध्यान दिया जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से ही काम नहीं चलेगा, उनके जो विचार है, विचारधारा है, 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या उन पर भी अमल किया जाएगा? यदि वाल्मीकि जी की बात करें, वाल्मीकि के हाथ में जो एक कलम है, यानी कि उस समय का जो मोर पंख है जिससे लिखा जाता था, और उनके हाथ में किताब है, यानी एक पत्ता है जो उस समय जिसके ऊपर लिखते थे, जो लिपि थी, क्या उस पर भी ध्यान दिया जाएगा? क्या उस पर भी गौर की जाएगी कि वाल्मीकि जी जो कि शिक्षा का संदेश दे रहे हैं कि शिक्षित बनो, यानी कि शिक्षा हाथ में उनके हमेशा यही एक हम देखते हैं कि किताब और ये एक कलम होती है जो वह कहते हैं कि लिखो पढ़ो, और वहाँ उनके हाथ में झाड़ू दे दी गई, क्या वाल्मीकि जी की उस जो उनकी विचारधारा है उससे भी जोड़ा जाएगा समाज को? यानी कि आपने साफ साफ कहा कि जो जयंती होती है महापुरुषों की, बहुजन महापुरुषों की, कि उससे समाज को जोड़ा जाए, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए हर जाति विशेष को, क्या जो उनकी विचारधारा है उस पर भी काम किया जाएगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात, जो आप हिंदू हिंदू की बात करते हो कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है, हिंदू धर्म की जो जातियाँ हैं आपस में लड़ती है और हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है, यानी आज आपको याद आ रहा है कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है,
यदि बात की जाए बौद्धों की, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म की भी दीक्षाएँ ली जा रही है, बौद्ध धर्म भी आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ को देखते हुए आप तिल मिला रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं हिंदुओं की जो व्यवस्था है, ऊंच नीच की बनी हुई व्यवस्था है, कि कहीं यह खत्म ना हो जाए, कहीं इनका जो यह गोरख धंधा चलता है इस पर चोट ना पड़ जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि गोरख धंधा सभी जातियों की बदौलत चलता है। यदि जातियाँ नहीं रहेंगी, यदि धर्म नहीं रहेगा, तो फिर किस तरीके से गोरख धंधा चलेगा? गोरख धंधे का भी डर सता रहा है। और बात करते सनातन की, सनातन धर्म, सनातन की वहीं दूसरी तरफ हिंदू को बीच में ले आते हैं, समझ नहीं आता कि क्या राग अलापते हैं। और वहीं मोहन भागवत जी से ये जो हमने सवाल रखे, इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे सवाल है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे दूसरी वीडियो में हम कुछ सवाल और होंगे और इनको हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।